आज भाजपा के गुंडों ने कोर्ट के अंदर पत्रकारों के ऊपर हमला किया है, अनप्रोवोक्ड हमला किया था। जिन लोगों के पास जो किसी कोई नारा नहीं लगा रहे थे, कोई राजनीति नहीं कर रहे थे, उनके ऊपर जिस प्रकार का आज हमला हुआ, चाहे वो एनडीटीवी के पत्रकार हो, आईबीएन के हो, नवभारत टाइम्स के हो, इकोनॉमिक टाइम्स के हो, सबको वहां धमकियां दी गई, मारा गया और ये भी कहा गया कि तुम्हारे फोन तोड़ दिए जाएंगे, तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दी जाएगी अगर तुम सच्चाई दिखाने की कोशिश करोगे। ये किस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी इस देश में कर रही है? मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से। एक तरफ तो तुम खुद जाते हो नवाज शरीफ के घर में तलवे चाटने के लिए और नवाज शरीफ के घर में केक खाने के लिए, और दूसरी तरफ तुम हिंदुस्तान के युवाओं को, हिंदुस्तान के छात्रों को पाकिस्तानी कहते हो, देशद्रोही कहते हो, गद्दार कहते हो। कान खोल के सुन ले भाजपा और उनके नेता, हिंदुस्तान का युवा गद्दार नहीं है, हिंदुस्तान का युवा राष्ट्रद्रोही नहीं है, हिंदुस्तान का युवा देशभक्त है। हमारे देश के युवाओं की देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने बंद करे भाजपा। हैदराबाद में, बनारस में, अलीगढ़ में, दिल्ली में, सब जगह के युवा उन्हें गद्दार नजर आते हैं। गद्दार वो लोग हैं जो अफजल गुरु को शहीद कहने वालों के साथ सरकार बनाकर बैठे जम्मू कश्मीर में। भाजपा को आज जवाब देना होगा कि भाजपा अफजल गुरु को शहीद मानती है या अफजल गुरु को आतंकवादी मानती है। अगर आतंकवादी मानती है तो महबूबा मुफ्ती की पार्टी के साथ सरकार क्यों बनाई है कश्मीर के अंदर, वहां पर तो उन्हें शहीद कहकर पूजा जाता है। ये भाजपा को आज जवाब देने होंगे। भाजपा को अपनी देशभक्ति साबित करनी होगी। हिंदुस्तान के ऊपर सवाल उठाने से कुछ नहीं मिलेगा। और जिस प्रकार का दंगों का वातावरण इस देश में बनाना चाहते हैं, तनाव का वातावरण बनाना चाहते हैं, आखिर भाजपा छिपाना क्या चाहती है? क्या गुजरात में जो नरेंद्र मोदी की सरकार में जमीन का घोटाला हुआ है उसे छुपाना चाहती है भाजपा, या जो रुपया लगातार गिरता जा रहा है उससे ध्यान बटाना चाहती है, या सेंसेक्स जो गिरता जा रहा है उससे ध्यान बटाना चाहती है भाजपा, या जो संसद का सत्र आने वाला है और इनसे चलता नहीं है, पूरे बहुमत होने के बाद संसद नहीं चलता, उससे हिंदुस्तान का ध्यान बटाना चाहती है? मेरे को लगता है इस देश के अंदर तोड़ने की साजिश और हिंदुस्तान के युवाओं का अपमान करने की साजिश भाजपा कर रही है। ये देश कभी माफ नहीं करेगा और हम लोग भाजपा के इस नकली राष्ट्रवाद का, इस नकली नेशनलिज्म का भंडाफोड़ करेंगे पूरे देश में। देखिए, आज जो घटना हुई है न्यायपालिका परिसर में, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पोषित जो गुंडे हैं उन लोगों ने पत्रकारों को, वहां जेएनयू से गए हुए छात्रों को, शिक्षकों को, सबको बहुत बुरी तरह से पीटा। जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी वहां की कानून व्यवस्था को बनाकर बचाकर रखने की, वो मूक दर्शक बने रहे। दो तीन महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को, भाजपा के नेताओं को देना चाहिए। पहला तो ये कि भाजपा केंद्र सरकार में है, भाजपा शासित पुलिस दिल्ली के अंदर है। दिल्ली की पुलिस कन्हैया नाम के लड़के को गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन एक भी वीडियो अभी तक पब्लिक डोमेन में या प्राइवेटली कहीं अवेलेबल नहीं कर पाई है, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाई है, जिसमें कन्हैया जो है एंटी इंडिया स्लोगन लगा रहा हूं। जो लोग, एक और वीडियो सर्फेस हुआ है जिसमें कुछ लोग एंटी इंडिया स्लोगन लगाते हुए दिख रहे हैं। एक पैरेलल वीडियो आया जिसमें वही लोग एबीवीपी के एक्टिविस्ट के रूप में पोस्टर लेके खड़े हैं। हमें नहीं पता कि वो लोग जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे वो एबीवीपी के एक्टिविस्ट हैं कि नहीं, पर ये जांच का मसला है, ये जांच करेगा तो एक कन्हैया गिरफ्तार हो जाता है जिसके खिलाफ कोई वीडियो नहीं है और जिसके खिलाफ पब्लिक डोमेन में साक्ष्य अवेलेबल है। संभावना इस बात की है कि वो भाजपा पोषित लोग हैं, एबीवीपी के गुंडे हैं। उन लोगों के ऊपर माननीय मोदी जी की पुलिस शांत बैठ जाती है, उस पर जांच करने की कोई संभावना उनको नहीं दिखाई देती है। ये दोहरा बर्ताव क्यों है, ये भारतीय जनता पार्टी को साबित करना पड़ेगा, स्पष्ट करने का। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पे ये है कि आपने कन्हैया को गिरफ्तार कर लिया, सेडिशन के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया, अच्छी बात है। आज भारतीय जनता पार्टी के वकीलों ने जो किया उसने भाजपा के चेहरे को बेनकाब कर दिया, बुरी तरह से भाजपा के दोहरे चाल चरित्र और चेहरे को, भाजपा की तथाकथित जो शुचिता की राजनीति है उसको एक्सपोज कर दिया। इससे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने जनप्रतिनिधि ओपी शर्मा ऑन कैमरा पीटते हुए नजर आ रहे हैं। बस्सी साहब का बयान आ रहा है कि वहां पे कोई खास इंजरीज नहीं हुई है। बस्सी साहब इंतजार कर रहे हैं क्या कि भाजपा के गुंडे पीट पीट के किसी की जान ले ले तब वो कहेंगे गंभीर घटना हो गई, या ओपी शर्मा साहब किसी की जान ले ले तब वो उनकी गिरफ्तारी करेंगे? तो ये साक्ष्य आने के बाद मोदी जी की पुलिस की चुप्पी कहीं ना कहीं स्पष्ट कर देती है कि यह एक बड़े षड्यंत्र की पृष्ठभूमि बुनी जा रही है जो या तो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई है या एग्जीक्यूट होने वाली है। और जैसा कि कपिल भाई ने बताया कि निश्चित रूप से जो बुनियादी सवाल है उनसे ध्यान हटाने के लिए हमारा मानना है कि यह साजिशें रची जा रही है।
आज की तारीख में सेंसेक्स पे रुपए के ऊपर, आनंदीबेन पटेल के शासन में हुए घोटाले के ऊपर, पठानकोट के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर, विदेश नीति के ऊपर, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और निश्चित रूप से ये जो हरकतें भाजपा और भाजपा पोषित गुंडे कर रहे हैं, इन्हीं सारे बुनियादी सवालों से जनता का, देश का ध्यान खींचने के लिए कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहती है कि हम सुनिश्चित करेंगे कि जो बुनियादी सवाल है भारतीय जनता पार्टी, उनसे जनता का ध्यान न खींच पाए। देश का युवा देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, उसे तिरंगे के स्वाभिमान की चिंता है। आरएसएस और नागपुर ऑफिस द्वारा संचालित होने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसने पीडीपी के साथ सरकार बनाई है, उनके देशभक्ति के प्रमाण पत्रों की इस देश के युवा को आवश्यकता नहीं है। ये वही लोग हैं जो अपने कार्यालयों में तिरंगा फहराने से मना कर देते हैं। ये क्या रक्षा करेंगे देश के और तिरंगे के स्वाभिमान की? आम आदमी पार्टी पूरे देश में, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इस छद्म राष्ट्रवाद को एक्सपोज करेगी। और कल शाम को तकरीबन 3 बजे आम आदमी पार्टी प्रदेश यूनिट राजघाट पर इकट्ठा होगी, महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर इकट्ठा होगी, वहां सत्य की, अहिंसा के और प्रेम के संदेश को लेकर इकट्ठा होगी, और भारतीय जनता पार्टी से उनके दोहरे मानदंडों को लेकर, उनके छद्म राष्ट्रवाद को लेकर कुछ सवाल पूछेगी, जिनके जवाब मिलने की हमारे पास उम्मीद नहीं है। इसके बावजूद कि भाजपा के कुछ लोगों ने भी हाल ही में लिखना पढ़ना शुरू किया।